पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कारण कराह रही है, लेकिन ऐसे माहौल में भी चाइना और अमेरिका के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना कोरोना महासंकट का फायदा उठाकर साउथ चाइना सी में अपनी गतिविधियां तेज कर रहा है, तो अमेरिका ने भी ताइवान के आसपास अपनी गश्त बढ़ा दी है। चाइना की नौसेना ने दावा किया है कि उसने साउथ चाइना सी में अमेरिका के एक जंगी जहाज को अपने इलाके से खदेड़ दिया है। हालांकि अमेरिका ने चीन के इस दावे का खंडन किया है। इस बीच अमेरिका ने भी अपने बम वर्षक विमानों को भी साउथ चाइना सी में गश्त के लिए भेजा है। चाइना और अमेरिका के अपने अपने दावे। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सदर्न थिएटर कमान के प्रवक्ता सीनियर कर्नल ली हुआमिन ने कहा कि चाइना ने अमेरिका के गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस बैरी की टोह लेने के लिए हवाई और समुद्री बलों को मोर्चे पर लगाया और उसे अपनी सीमा से बाहर खदेड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी जंगी जहाज दक्षिणी चीन सागर में उसके समुद्री क्षेत्र में था, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने उनके इस दावे का खंडन किया है। हुआमिन ने कहा कि अमेरिका की इस उकसाने वाली हरकत से अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ी हैं और चीन की संप्रभुता और सुरक्षा हितों का गंभीर उल्लंघन किया गया है। इससे हमारी सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है, जिससे अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं और इससे कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई कमजोर होगी। अमेरिकी नौसेना ने इस दावे का खंडन किया। उसका कहना है कि टकराव की कोई बात नहीं है और ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि चाइना के किसी भी जहाज ने कोई अवांछित हरकत की है। चाइना बढ़ा रहा है सैन्य गतिविधि। दक्षिण चीन सागर और उसके आसपास के समुद्री इलाके में कई देश अपना दावा करते हैं। चाइना इस इलाके में लगातार अपनी सैन्य स्थिति मजबूत कर रहा है। वो फिलीपींस में मूंगी के बने द्वीपों के ऊपर कंक्रीट डाल रहा है और उन्हें रिसर्च स्टेशंस में बदल रहा है। असल में ये हथियारों के लिए लॉन्च प्लेटफॉर्म है, जहां से विमान और मिसाइल तैनात किए जाएंगे। दक्षिण चीन सागर एक व्यस्त समुद्री मार्ग है, जहां से पूरे साल लाखों करोड़ डॉलर का सामान, खासकर तेल, गुजरता है। इस क्षेत्र पर अपना दावा मजबूत करने के लिए चाइना वहां ज्यादा से ज्यादा जंगी और शोध जहाज भेज रहा है। चाइना ने दक्षिण चीन सागर में खनिज संसाधनों की थाह लेने के लिए अपना एक जहाज हयांग दिजी 8 को वहां भेजा है, लेकिन अमेरिका को उसकी यह हरकत नागवार गुजरी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टेजेस ने कहा, चाइना ऐसे समय में अपने अवैध सामुद्रिक दावों को आगे बढ़ा रहा है जब दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। ये ठीक नहीं है। चाइना पर भारत की पैनी नजर। चाइना की बढ़ती सैन्य शक्ति भारत के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, लिहाजा भारत भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। वहीं दूसरी ओर इस वक्त व्यापारिक युद्ध भी अंदर ही अंदर शुरू हो चुका है। भारत कोरोना वायरस की वजह से उपजी चुनौतियों के बीच नए संभावनाओं को भी देख रहा है। चाइना भले ही कहे कि उसने कोरोना पर काबू पा लिया है, लेकिन उसके यहाँ कई विदेशी कंपनियों की यूनिटें बाहर आने के लिए तैयार बैठी हैं। उसकी वजह अमेरिका का उसको लेकर अविश्वास है और भारत सरकार की कोशिश इस बात की है कि ये यूनिट्स उसकी जमीन पर लगाई जाएं। चाइना अमेरिका जंग से भारत का फायदा। चाइना के बढ़ते वर्चस्व ने अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के अंदर खलबली मचा दी है। अमेरिका हर हाल में अब चाइना को दबा देना चाहता है, चाहे वो रणनीतिक तौर पर हो या फिर आर्थिक तौर पर। जापान का अपनी कंपनियों को चाइना से बाहर आने के लिए कहना और अमेरिकी कंपनियों का चाइना को छोड़कर भारत में अपनी प्रोडक्शन शिफ्ट करना, ये दर्शाता है कि अब दुनिया इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और वियतनाम जैसे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा सके। जाहिर सी बात है कि अब ये सभी देश मिलकर वैश्विक सप्लाई चेन से चाइना को बाहर करने की योजना पर काम कर रहे हैं। भारत और अमेरिका साथ मिलकर अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को दोबारा खोलने का प्लान बना रहे हैं। अभी सैकड़ों अमेरिकी कंपनियां चाइना को छोड़कर भारत में अपनी कारखाने स्थापित करना चाहती हैं। चाइना को बड़ा झटका देने वाला है भारत। इस बीच भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए चाइना में काम कर रही करीब 1000 कंपनियों की लिस्ट तैयार कर ली है। अब इन कंपनियों से वार्ता शुरू की जा रही है। इनमें से 300 कंपनियों से वार्ता शुरू भी हो गई है। भारत की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है,
कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से वार्ता के दौरान अपनी कारोबारी नीतियों में लचीलापन लाने का सुझाव दिया था। हालांकि उन्होंने चाइना को लेकर कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन इसका मतलब चाइना से आने वाली कंपनियों के लिए आदर्श स्थिति तैयार करना ही था। इस प्रकार चाइना की 20 साल की ताकत को एक झटके में चुनौती देता भारत नजर आ रहा है। बैकफुट पर आया चाइना। अभी चाइना कोरोना के कारण पूरी दुनिया की नफरत झेल रहा है। दुनिया उसकी आर्थिक नियत तो समझ ही गई है, लिहाजा वो पूरी तरह से बैकफुट पर है। बड़ी बात ये भी है कि उसने अमेरिका के साथ ही ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपने सींग उलझाए हुए हैं, जिसके साथ चाइना का एक बहुत बड़ा व्यापार है। चाइना ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ी मात्रा में सामान इम्पोर्ट करता है। अब चाइना ने खुद ही ऑस्ट्रेलिया को ये धमकी दी है कि उसके यहाँ ऑस्ट्रेलिया के सामान को अब नहीं बिकने दिया जाएगा। इसी प्रकार जापान कोरोना से पहले तक चाइना से 148 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट करता था, लेकिन अब जापान अपनी कंपनियों को चाइना से बाहर जापान या फिर किसी अन्य देश में जाने को कह रहा है, जिसके बाद यहाँ से भी चाइना वैश्विक सप्लाई चेन से कट जाएगा। इस प्रकार भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, कोरिया और जापान मिलकर चाइना को ग्लोबल सप्लाई चेन से अलग करने में लगे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि किसी भी सूरत में अब चाइना पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता।